हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ये लॉकडाउन स्किन केयर सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड है। फर्स्ट वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और ऐसे इफ़ेक्टिव स्किन केयर रेमेडीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल के लोग इतने बिजी हैं कि हमारे आसपास इतने इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हुए भी केमिकल से बने क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स एक्सेट्रा यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण अच्छा हो या ना हो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको होममेड मॉइस्चराइजर बनाना बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि स्क्रब के बाद मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है, तो आज की वीडियो में मैं आपको होममेड मॉइस्चराइजर बनाना बताऊंगी जो आपकी स्किन को ग्लोइंग स्पॉटलेस बनाएगा, आपके फेस को ड्राइनेस से दूर करेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजर की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी की ड्राई स्किन को होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑयली स्किन होने के कारण आपको मॉइस्चराइजर ना यूज़ करना पड़े। आज जो मैं मॉइस्चराइजर बनाने वाली हूँ वो एवरी टाइप ऑफ स्किन के लिए है। आज मैं आप लोगों को दो टाइप के इफ़ेक्टिव मॉइस्चराइजर्स बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, पर किसी भी रेमेडी को ट्राई करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए लेना है एलोवेरा जेल और आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नेचुरल एलोवेरा यूज़ करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई केमिकल नहीं होता है। इसको आप ऐसे कट कर लीजिए और इसका जेल निकाल लीजिए। फिर इसमें आधा चम्मच आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जस्ट बिकॉज़ यह एक जेल है इसलिए हम इसे हाथों से यूज़ करेंगे। मॉइस्चराइजर्स और जेल को हाथों से ही यूज़ करें। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी टाइप के पैक को अपने हाथों से ना यूज़ करें। जस्ट बिकॉज़ ये मॉइस्चराइज़र और जेल है इसलिए हम इसे हाथों से यूज़ करेंगे। फिर इस मिक्सचर को अपने फेस पर अप्लाई करें और अपने हाथों से मसाज करें। पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें और फिर नॉर्मल वाटर से रिंस आउट कर दें। ऐसा आपको स्क्रब करने के बाद हमेशा करना है और ड्राई स्किन वाले इसे अल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रब सिर्फ हफ्ते में दो बार ही करें। सेकेंड रेमेडी बनाने के लिए हमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए जो है अलसी। आधे कप पानी में दो चम्मच अलसी को गरम कीजिए और तब तक गरम कीजिए जब तक वो खौलने न लगे। पाँच मिनट खौलाने के बाद एक चम्मच से थोड़ा सा निकाल के अपने हाथों से टच करके देखिए कि अगर वो थोड़ा सा जेल फॉर्म में या फिर स्टिकी फील होने लगा है तो फ्लेम ऑफ कर दीजिए और 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद आप देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठंडा होने के बाद
इस जेल को थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से लेकर अपने फेस पर मसाज कीजिए। 10 मिनट तक लगातार ऐसा करते रहिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर नॉर्मल वाटर से रिंस आउट कर दीजिए। ऐसा आपको स्क्रब करने के बाद करना है, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ड्राई स्किन वाले इसे ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, लेकिन स्क्रब सिर्फ हफ्ते में 2 बार करें। बचा हुआ जेल आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे एक बार में बहुत सारा बना करके 15 दिन तक स्टोर करके रखिए और रेगुलर में यूज़ कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको हाइड्रेशन के बारे में बताऊंगी कि स्किन को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ आपको नेचुरल प्रोडक्ट लगाने ही नहीं बल्कि खाने पीने भी कितने ज़रूरी हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ड्रिंक्स बताऊंगी जो रेगुलर पीने से आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।